ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि समुद्र की सतह से ही किसी भी जगह की ऊंचाई को मापा जाता है, यानी यह पृथ्वी पर सबसे निचली सतह पर मौजूद है और इसी कारण से नदियों का पानी भी समुद्र में ही आकर मिलता है। यह क्रिया कोई 100-200 साल पहले की नहीं है, बल्कि ऐसा तो हजारों लाखों साल से होता आ रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर समुद्र का पानी ही खारा क्यों होता है? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समुद्र का पानी खारा क्यों है, उसको जानने से पहले आखिर समुद्र का जन्म कैसे हुआ ये जानना जरूरी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से करीब 50 करोड़ साल से 100 करोड़ साल के बीच में हुआ होगा, लेकिन इसका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है कि आखिर धरती के विशालमय गड्ढे पानी से कैसे भर गए और इन विशालकाय गड्ढों का निर्माण हुआ कैसे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक विशाल गोला थी। जब यह धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। यही गैस के बादल जब भारी हो गए तो वह बारिश के रूप में बरस पड़े। लाखों साल तक ऐसे ही बारिश होती रही, जिससे धरती के विशालकाय गड्ढों में पानी भर गए और उन्हें ही आज हम समुद्र के नाम से जानते हैं। समुद्र के पानी में जीवों की लाखों प्रजातियां रहती हैं। इनमें कुछ विशालकाय जीव भी रहते हैं, जैसे कि व्हेल मछली, शार्क मछली, ऑक्टोपस, एनाकोंडा सांप आदि, ये सब समुद्रों में पाए जाते हैं। वैसे तो समुद्रों के बारे में अभी पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं, ऐसे में उनके कई रहस्य अब भी अनसुलझे ही रह गए हैं। आपको शायद ही ये पता होगा कि नदियों और झरनों में भी समुद्र का ही पानी रहता है। दरअसल समुद्र से ही भाप उठती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और इसी से बारिश होती है। यही पानी नदियों और झरनों में जाता है। इसमें कई लवण भी घुले हुए होते हैं, लेकिन उन लवण की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए नदी और झरनों का पानी हमेशा मीठा लगता है। वहीं जब बारिश का पानी समुद्र में वापस पहुँचता है तो वहाँ थोड़े थोड़े करके लवण जमा हो जाते हैं। हजारों लाखों साल तक समुद्र में लवणों के जमा होने के कारण उसका पानी खारा हो जाता है। ये लवण सोडियम और क्लोराइड है, जिसके कारण नमक का निर्माण होता है। समुद्र का पानी इस वजह से खारा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।